नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 8 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी इस चैप्टर पे। जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले प्लेलिस्ट में जाके उन 8 वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है उनके लिए, उनको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 9th लेक्चर है इस चैप्टर पे। और पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था, पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में समझा था और ब्रायोफाइट्स हमने कंप्लीट कर लिया था, ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस भी हमने देख ली थी, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के जो दो टाइप्स थे, लीवर वॉर्ट और मॉसेस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर वॉर्ट, सबसे पहले बात, लीवर वॉर्ट क्या होता है, एक टाइप का ब्रायोफाइट ही है, ठीक है। एक तरीके का ब्रायोफाइट को ही लीवर वॉर्ट कहते हैं, ठीक है। द लीवर वॉर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, ठीक है। सबसे पहले इसका हैबिटेट बताया है कि जो लीवर वॉर्ट होता है वो कहाँ ग्रो करता है। लीवर वॉर्ट होता क्या है ये आपको पता है, एक प्रकार का ब्रायोफाइट होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे रहता है, क्या इसका हैबिटेट है, तो देखो लीवर वॉर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, मॉइस्ट यानी नमी वाली जगह, शेडी हैबिटेट, शेडी हैबिटेट मतलब छायादार जगहों पे, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब जो नदी वगैरह हुई या कोई कोई पॉन्ड हुआ, कुछ भी ऐसा, मतलब जो बहती हुई धारा वाला पानी रहता है, पॉन्ड तो नहीं, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई झरना हुआ कुछ भी ऐसा, तो जो बहता हुआ पानी है उसके आसपास ही है, उसके साइड में पाए जा सकते हैं। मार्शी ग्राउंड, मार्शी ग्राउंड मतलब दलदल वाले ग्राउंड में, दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, ठीक है। डैम सॉइल, डैम सॉइल मतलब जो मतलब इस तरीके के रहते हैं ना कि जैसे नमी वाला एरिया रहता है या बहुत गीला, मतलब दलदली सा क्षेत्र रहता है ना, उसको एक तरीके से डैम सॉइल आप कह सकते हैं, ठीक है, या दलदल कह सकता हूँ उसको, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर, दलदली क्षेत्र जो होते हैं ना, पानी के पास वाले एरिया जो होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ ट्रीज, ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क मतलब छाल, जो बड़े विशालकाय पेड़ होते हैं उनकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उन पे भी ये पाए जाते हैं, कौन, लीवर वॉर्ट्स, ठीक है। एंड डीप इन द वुड्स, एंड डीप इन द वुड्स, और तने के जो वुड्स होता है लकड़ी के बहुत अंदर भी, ठीक है, ठीक है। बार्क पे तो पाए जाते हैं, कोई ट्री है उसकी छाल पे, उसकी बार्क पे तो पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई लकड़ी के, कोई पेड़ के या कोई उसकी जो लकड़ी है उसके डीप में भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके हैबिटेट्स हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वॉर्ट इज थैलॉइड, एग्जाम्पल मैरकेंशिया। प्लांट बॉडी जो होती है लीवर वॉर्ट की, ठीक है, लीवर वॉर्ट की जो बॉडी होती है प्लांट की, प्लांट बॉडी, वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है, ठीक है। अब थैलॉइड क्या होता है, थैलॉइड मतलब थैलॉइड बना है थैलस से, ठीक है। थैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब कुछ ऐसा सेल का, मल्टीसेलुलर सेल का गुच्छा जिसका कोई मतलब पता नहीं है, जिसका कोई अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब जिसके ऑर्गन्स का पता नहीं कि कौन सा सेल क्या बना रहा है, ठीक है। जैसे हमारे सेल में तो डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं हमारे सेल सारे, तो पता होता है ना कि हाँ ये सेल जो है ये पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो होता है उसको थैलस कहते हैं, ठीक है, और थैलस से ही बना है थैलॉइड, ठीक है। तो जो इसकी प्लांट बॉडी होती है लीवर वॉर्ट की, वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया मर्केंशिया। अब ये मर्केंशिया का स्ट्रक्चर वगैरह आगे हम देखेंगे, ठीक है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, थैलस पता है आपको क्या होता है, थैलस अभी बताया मैंने, डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। देखो डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है, डॉर्सल मतलब क्या होता है, पीठ, ठीक है। अगर आप बोलें कि मेरा डॉर्सल पार्ट क्या हुआ, तो पीठ, ठीक है, और वेंट्रल मतलब पेट के साइड वाला पार्ट, ये वेंट्रल, ठीक है। तो कोई आपसे कहे वेंट्रल साइड मतलब ये वाली साइड, कोई आपसे कहे डॉर्सल साइड मतलब ये पीठ वाली साइड, ठीक है, क्लियर ही बात। अब डॉर्सी वेंट्रल का क्या मतलब हुआ कि इसका जो थैलस होता है उसमें डॉर्सल और वेंट्रल दोनों पार्ट होते हैं, मतलब उसमें दोनों सतहें होती हैं, ठीक है, मतलब उसमें ऊपर का ऊपरी सतह और नीचे की सतह दोनों मौजूद है, ठीक है, किसमें, जो इसका थैलस है उसमें। क्लोजली अप्रेस्ड, अप्रेस्ड मतलब दबाना, ठीक है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट मतलब ये एंजाइम वाला सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पे सतह, ठीक है। तो ये जो थैलस होता है इसका डॉर्सी वेंट्रल होता है और वो काफी क्लोजली सबस्ट्रेट के तरफ दबा हुआ रहता है, ठीक है, क्लियर है ये बात, इस लाइन का ये मतलब था। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लाइक, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस
इन टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो लीफी मेंबर जो होते हैं इसके, किसके, लीवरवॉर्ट्स के, उनमें क्या होता है, हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक, ठीक है, छोटे छोटे लीफ के स्ट्रक्चर जैसे अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मतलब कोई छोटा पार्ट, किसी बड़े पार्ट के कोई छोटा पार्ट जो होता है उसको अपेंडेज कहते हैं। ठीक है, तो इनके जो मतलब लीफी मेंबर जो होते हैं, द लीफी मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें छोटे छोटे लीफी लाइक अपेंडेजेस निकले हुए रहते हैं इसमें। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली। ठीक है, अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवर वॉर्ट में वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई पार्ट में से एक पार्ट टूट जाना, ये मान लो लीवर वॉर्ट है, इसका एक फ्रेगमेंट टूट गया और इससे नया लीवर वॉर्ट बन गया। ठीक है, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, थैलस के मतलब थैली के फ्रेगमेंटेशन से बनता है ये, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड गैमेट। देखो क्या होता है, ये जो थैली है, ये जो थैली है इसमें से क्या होता है, फ्रेगमेंट्स टूटते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं गैम्यूल और गैमे। ठीक है, गैमे उसको कहते हैं, और इस गैमे से ही पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए, गैमे आर ग्रीन, गैमे कैसे होते हैं, गैमे आर ग्रीन मल्टीसेलर असेक्सुअल बर्ड, ये ग्रीन होते हैं कलर में, मल्टीसेलर होते हैं मतलब बहुकोशिकीय होते हैं, और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ये खुद कैसे होते हैं, ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ये, which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli। देखो ये जो गैमे होते हैं ना, वो ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, जो कि डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मतलब छोटे छोटे कप जैसे, थोड़े छोटे उभार से आते हैं, मतलब सतह पे थोड़े उभार जो होता है ना उसको रिसेप्टिकल कहते हैं। तो इनका उभार कैसे रहता है, गैमा कप्स की तरह, कप शेप कुछ इस तरीके से होते हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये गैमे क्या होते हैं, ये उभार होती है सतह से, थैली के जो सरफेस है ना उससे उभरे हुए रहते हैं थोड़े से, और इनका स्ट्रक्चर कुछ कुछ कप जैसा होता है। ठीक है, इसलिए इनको गैमा कप भी कहते हैं। क्लियर ये बात। द गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, अब ये गैमे ग्रो करता है। ठीक है, और इसके बाद ये डिटैच हो जाता है, मतलब टूट जाता है मेन पेरेंट बॉडी से, टूट जाता है एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और फिर वो नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल डेवलप करता है। ठीक है, क्लियर ये बात। During sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or different thalli. देखो अब asexual reproduction तो यहाँ पे पढ़ लिया, ये asexual reproduction था, अब sexual reproduction भी करता है ये। ठीक है, कौन, लीवर वॉट, मॉसी, ये ब्रायोफाइट है ना ये। तो ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली। अब देखो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, इसके जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही थैली पे भी हो सकता है, मतलब ये एक थैली है, इस पे ही मेल सेक्स ऑर्गन है, इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, या फिर वो अलग अलग थैली पे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट, मतलब दोनों पे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो थैली है उसी पे, एक ही थैली पे दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, या दो अलग अलग थैली पे मेल सेक्स ऑर्गन इस थैली पे है मान लो, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इस थैली पे है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो लीवर वॉर्ट में कुछ और चीजें समझते हैं। देखिए, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। अब स्पोरोफाइट क्या होता है ये अभी हम समझ चुके हैं। अब स्पोरोफाइट जो है, ठीक है, जो स्पोरोफाइट बना वो फर्दर डिफरेंशिएट हुआ इनटू फूड सेटा और कैप्सूल में। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, देखो कैप्सूल स्ट्रक्चर पे आइए, स्ट्रक्चर को मैं बताता हूं अभी आपको। कैप्सूल होता है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये ऊपर वाला पार्ट, फूल या जो फूल सा जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है आपका कैप्सूल। ठीक है, ये वाला जो स्टॉक, ये जो टहनी सा पार्ट दिख रहा है, सिंपल स्ट्रेट जो आपको टहनी की तरह पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेटा। ठीक है, और ये जिससे अटैच है इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फूट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है आपका, ये स्ट्रक्चर जो है लीवर वॉर्ट का है। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल ये इसमें आया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फूट क्या होता है, सेटा क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है। ठीक है, क्लियर ये बात। ये किससे बना, ये बना सेप्रोफाइट से। ठीक है, स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट मतलब और फर्दर डेवलपमेंट होना। कभी भी आप ये टर्म सुने डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होता है बताओ,
देखो कोई सेल है हमारी बॉडी का, कोई आपसे कहे कि सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है, सेल डिफरेंशिएट होने का क्या मतलब है कि बहुत सारे सेल थे, ठीक है, यहाँ पे, और वो अपना अपना फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो अब हाथ बनाऊंगा, कुछ सेल कह रहे हैं मैं अब नाक बनाऊंगा, कुछ सेल कह रहे हैं मैं अब पाँव बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम सब बने एक सेल से थे, जायगोट, ठीक है, उसके बाद उस एक सेल से दो सेल बने, दो से चार, आठ, 16, 32, डिवाइड करते करते पूरा का पूरा एक फीटस बनता है, ठीक है। तो ये सब एक सेल से शुरू हुआ था, ठीक है, तो एक सेल डिफरेंशिएट हुए मतलब अलग अलग फंक्शन डिसाइड किया इन्होंने, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, और फर्दर डेवलपमेंट होना, ठीक है, मतलब कि और पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ फंक्शन या स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में वो तब्दील होंगे अब, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पोरोफाइट जो था वो डिफरेंशिएट होगा अब किसमें, मतलब तब्दील होगा किसमें, फूट में, सेटा में और कैप्सूल के स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए आफ्टर मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, हाफ मतलब टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने हैं उसका आधा हो जाना, मियोसिस में क्या बनता है, हैप्लॉयड बनता है, ठीक है, और वैसे माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, ठीक है, अब मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, पूरा प्रोसेस हो गया, मियोसिस हो गया, मियोसिस क्या होता है, रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है ना एक, तो मियोसिस हुआ तो अब स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स किसके अंदर बनेंगे, इसके अंदर, ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हैं, कैप्सूल, ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर ये क्या बनेंगे, मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, ये आपके पर्टिकुलर जो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, इन स्पोर्स से ही फर्दर फिर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है, और यही स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट मतलब ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे, और इनसे फिर क्या बनेगा, फ्री लिविंग, मतलब कि फ्री लिविंग मतलब अकेले रह सकता है, अपने आप में लिविंग है वो, ठीक है, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म को कैपेबल है अब ये प्रोड्यूस कर पाने, किसी और ऑर्गेनिज्म किसको प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है, लीवर वॉट है तो काउ को तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, लीवर वॉट को ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये चीज समझ पाए होंगे आप कि स्पोर जो है यहां पे बना कैप्सूल के अंदर, ठीक है, मियोसिस के बाद, और उसके बाद क्या हुआ, ये तब्दील होते हैं, ठीक है, ये डेवलप होते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में, ठीक है, और गैमेटोफाइट फिर क्या करता है, और फर्दर क्या बनाता है, दूसरे जो आपके लीवर वॉट हैं उनको बनाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से नए नए लीवर वॉट बनते रहते हैं, और ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन का फेस था इसका, ठीक है, क्लियर है बात। अब ब्रायोफाइट में दूसरा जो टाइप है अपने पास वो है मॉसिस। अब मॉसिस स्टार्ट करने से पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है आपका लीवर वॉट का है, ठीक है, देखो ये दोनों क्या है, फ्री लिविंग लीवर वॉट है ये, ठीक है, लीवर वॉट मरकेंशिया का आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ, ये एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर है, अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये, ठीक है, देखो ये एक पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ये जो है ये फीमेल वाला स्ट्रक्चर है, ये जो है ये मेल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है बिल्कुल, दोनों बिल्कुल सेम है, बस फर्क यहाँ पे है, ठीक, इस स्ट्रक्चर में, कैप्सूल वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है, अब इसको समझते हैं एक एक को। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल थैलस की, ठीक है, फीमेल थैलस, थैलस मतलब बंच ऑफ सेल, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अब ये जो फीमेल थैलस है ये इस तरीके के स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें ये जो पार्ट है ना पूरा, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपके इस तरीके से गामा कप्स होते हैं, ठीक है, गामा कप्स हमने हमने पढ़ा था ना अभी, गामा कप्स यहाँ पे मौजूद है, और ये नीचे क्या है, राइजोइड है, ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पे जो ऊपर स्ट्रक्चर है कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर है, ये जो इसका पूरा स्टाक है मतलब इस पूरे को ही, ठीक है, देखो ये इसको तो हम कह रहे थे क्या, सेटा कह रहे थे, लेकिन इस पार्ट को कह रहे थे, अब ये पूरा, ये अगर फीमेल में है ये वाला पार्ट तो इसको कहेंगे इस पूरे पार्ट को आर्किगोनियोफोर, ठीक है, आर्किगोनियोफोर, क्या कहेंगे, आर्किगोनियोफोर, और अगर यही पार्ट मेल में है तो इसको कहेंगे एंथ्रीडियोफोर, ठीक है, एंथर किसमें होता है, एंथर होता है मेल में, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये ऐसे याद रखना, आप एक को याद रख लो दूसरा ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, एंथर किसमें होता है, मेल में, पॉलन ग्रेन पढ़े है ना आपने, अभी तो 11th में, 12th में पढ़ोगे, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे आप कि पॉलन ग्रेन किससे डेवलप होते हैं, किसके अंदर होते हैं, पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर, ठीक है, तो एंथर किसमें, किसमें पाया जाता है, मेल में, तो यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर, ठीक है, किसमें है, मतलब मेल की कहानी है, फीमेल की कहानी में इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आर्किगोनियोफोर, ठीक है, क्लियर है ये बात। बाकी इसमें भी गामा कप होंगे और इसमें भी इस तरीके से राइजोइड होंगे, और ये मेल थैलस है, ठीक है, तो ये था आपका मेल और फीमेल और मेल पार्ट, ठीक है, फीमेल और मेल स्ट्रक्चर, या फीमेल थैलस और मेल थैलस किसमें, किसका, लीवर वॉट का, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे आपका जो लीवर वॉट था वो फिनिश होता है। अब हम शुरू करते हैं मॉसिस के बारे में, ठीक है, क्लियर है ये बात।
चलिए अब ब्रायोफाइट में जो सेकंड टाइप है मॉसेस, उसके बारे में पढ़ते हैं। मॉसेस क्या होते हैं? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। मॉसेस क्या होते हैं? ब्रायोफाइट का एक टाइप है, ठीक है, क्लियर ये बात। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस, ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट, ठीक है। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है ना इसका, मॉस का, वो होता है गैमेटोफाइट, ठीक है, विच कंजिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। गैमेटोफाइट जो बनता है, ठीक है, इसमें भी गैमेटोफाइट बनेगा, तो गैमेटोफाइट जो बनता है उसमें दो मेन स्टेजेस से वो बनता है, ठीक है, क्लियर ये बात भाई। गैमेटोफाइट अल्टीमेटली गैमेटोफाइट ही तो बनाना है, गैमेटोफाइट बनेगा तभी तो आगे नया मॉस बनेगा, ठीक है, वही तो आगे रिप्रोडक्शन करके एक नया मॉस बना सकता है, वही तो कैपेबल है कि नया मॉस बनाने में, ठीक है। लेकिन ये गैमेटोफाइट बनेगा कैसे, ये दो स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, ठीक है। पहला स्टेज जो है वो प्रोटोनिमा स्टेज है, जो कि डायरेक्टली डेवलप होता है किससे, स्पोर से, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो पहला जो है वो प्रोटोनिमा स्टेज है, जो कि डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है, ये स्पोर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ स्लेंडर लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगा ना, इसी को प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं, कुछ अलग नहीं है। प्रोटोनिमा स्टेज क्या है, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो स्लेंडर ऐसे कुछ फिलामेंट सा सिलेंडर सा स्ट्रक्चर कुछ बनने लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा जो टर्म है वो जनरली ब्रायोफाइट्स के लिए या मॉसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, इट इज क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये कैसे स्टेज होती है, क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब रेंगना, तो ये ऐसे मतलब ऐसे फैल के, ऐसे ऊपर ग्रो नहीं करेगा ये, ऐसे फैल के ग्रोथ होगी इसकी, ठीक है, तो इट्स अ क्रीपिंग, ग्रीन होता है ये कलर में और ब्रांच्ड होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। फिलामेंटस स्टेज मतलब फिलामेंट्स होंगे इसके, फिलामेंट्स निकले होंगे आसपास से, ठीक है, तो इस तरीके से इसके ग्रोथ होती है, ये ऐसे फैल के ग्रो करेगा, ग्रीन होगा कलर में, फिलामेंटस होगा और ब्रांच्ड होगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। सेकंड स्टेज जो बनती है इसके बाद, द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। अब इसके बाद ये स्टेज हो गई, ये स्टॉक लाइक स्टेज हो गई, फिलामेंट वगैरह बन गए, अब इसके बाद जो स्टेज आएगी वो होगी लीफी स्टेज, ठीक है। तो लीफी स्टेज क्या होगी, लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड। देखो ये प्रोटोनिमा बना था, अब ये प्रोटोनिमा डेवलप हुआ तो इसी को सेकेंडरी प्रोटोनिमा कह दिया। ये प्राइमरी प्रोटोनिमा, अब ये ज्यादा और ग्रोथ कर लेगा तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से क्या बनेगी, ये स्टेज बनेगी। कौन सी स्टेज बनी, लीफी स्टेज बनी, ठीक है, मैं फिर पढ़ता हूँ इसे। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड, ठीक है। अब देखो ये जो सेकंड स्टेज बनी ना, लीफी स्टेज जिसे आप कह रहे हो, ये किससे डेवलप हुई थी, प्रोटोनिमा से। कौन से प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से कैसे, बर्ड के फॉर्म में, ठीक है। मान लो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, इसके इसके साइड में एक छोटा सा बर्ड इस तरीके से डेवलप हो जाता है और उससे आगे जाके फिर लीफी स्टेज डेवलप होती है, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है। दे कंजिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। दे कंजिस्ट ऑफ अपराइट कैसे होते हैं, अपराइट मतलब स्ट्रेट होते हैं और स्लेंडर एक्सेस, ठीक है, स्लेंडर एक्सेस होता है मतलब ये मतलब इस तरीके स्लेंडर एक्सेस का वही मतलब हुआ कि स्लेंडर शेप का होगा, मतलब एक तरीके से कहें तो इस तरीके से होगा ये, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा बेरिंग, और इस तरीके के स्ट्रक्चर में फिर स्पायरली अरेंज लीव्स होंगी। स्पायरल मतलब ऐसे गोल गोल घूमे हुई लीव्स आएंगे इनमें, ठीक है, समझ पाए इस बात को आप। तो दे कंजिस्ट ऑफ अपराइट, ये स्ट्रेट होंगे, मतलब ये डाउनवर्ड ग्रोथ नहीं होगी या लैटरल ग्रोथ नहीं होगी, अपराइट ग्रोथ होगी इसकी, और स्लेंडर एक्सेस का होगा, इस तरीके का कुछ स्लेंडर शेप का एक्सेस होगा इनका, और ये इसमें बियरिंग, ये मतलब इनमें जो लीव्स आएंगी वो कैसे आएंगी, स्पायरल लीव्स आएंगी, ठीक है, स्पायरली अरेंज लीव्स, स्पायरल नहीं होंगी, लीव्स तो जैसी होती हैं वैसी होंगी, लेकिन स्पायरल कुछ कुछ अरेंजमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है बात, ऐसे घुमा घुमा सा लीव्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। राइजॉइड जैसे इनमें भी राइजॉइड थे ना ये, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर और अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो राइजॉइड जो होते हैं ना इसमें, उसके थ्रू ये अटैच होते हैं सॉइल से, मतलब सॉइल को पकड़ेगा कैसे ये, ठीक है, तो सॉइल का अटैचमेंट जो होता है ना इस पूरे स्ट्रक्चर से, वो होता है राइजॉइड के थ्रू, ठीक है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर एंड ब्रांच राइजॉइड। मल्टी सेलर होता है राइजॉइड, जिसके थ्रू सॉइल से ये अटैच रहते हैं, ठीक है। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, ठीक है, दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, मतलब इस स्टेज में, ये जो स्टेज
जिसके हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन बियर करती है, मतलब इसी में सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि गैमेटोफाइट जो है ना वो डेवलप कैसे होता है, गैमेटोफाइट डेवलप होने से पहले मोसेस में गैमेटोफाइट डेवलप होने से पहले दो स्टेजेस पहले होंगी, ठीक है, पहली स्टेज तो प्रोटोनिमा बनेगा और दूसरी स्टेज प्रोटोनिमा से फिर क्या बनेगा, लीफी स्टेज बनेगी, ठीक है, और लीफी स्टेज जो स्लेंडर एक्सिस है और स्पाइरल लीव्स उसके आसपास अरेंज्ड हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो राइजोइड के थ्रू जमीन से सॉइल से अटैच रहेगा, ठीक है, क्लियर ही बात। और यही स्ट्रक्चर फिर आगे जाके क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेगा, ठीक है, क्लियर ही बात। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।